हाई एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ फैशन यू चेतना एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ्लिपकार्ट ब्लाउज हॉल। फ्लिपकार्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज के ब्लाउज दिख रहे थे, सो आई थॉट कि एक अंडर 500 बजट रेंज का ब्लाउज हॉल आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सो गाइज़, मैं आपको बता दूँ कि जितने भी ब्लाउज मुझे रिसीव हुए हैं, मैं उनसे सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज उनकी क्वालिटी, उनका डिज़ाइन, एवरीथिंग बहुत बहुत ज़्यादा प्रिटी आया है। यू नो, अंडर 500 क्या आता है, हम मटेरियल लेके आते हैं और स्टिच करवाते हैं तो 600-700 से अबाउ ही हमारा ब्लाउज का रेट और बजट पड़ता है। सो बहुत ही बजट रेंज के ब्लाउज है एंड मैं इन सारे ब्लाउज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इन केस इनके प्राइजेस ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़ ब्लेम मत करना। वैसे सारे ब्लाउज के प्राइजेस जो है अभी तक 499 रुपीज़ ही है या अंडर ही है, सो डेफिनेटली आप वहाँ से चेक कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं कि मैंने कौन कौन से ब्लाउज जो है फ्लिपकार्ट से परचेस किए हैं। सो गाइस, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट माई ब्लैक ब्लाउज आई एम वियरिंग राइट नाउ। दिस इज़ ब्यूटिफुल ब्लैक कलर डिजाइनर ब्लाउज। सो यू कैन सी द स्लीव्स, हियर इज द गोटा काइंड ऑफ लेस वर्क एंड नेक इज ऑल्सो डिजाइनर एंड बस्ट एरिया इज ऑल्सो प्रिटी। बैक साइड में आपको मिलेंगे बटन्स एंड एक राउंड शेप का नेक मिलेगा, वैसे आपको ट्राई ऑन में दिख जाएगा। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल कॉटन सिल्क काइंड ऑफ ब्लाउज एंड इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मरून, येल्लो एंड गोल्डन। आई पिक ब्लैक कलर बिकॉज मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था एंड बजट रेंज का था, सो आई थॉट कि मुझे एक हाई नेक ब्लैक कलर का ब्लाउज चाहिए। सो इसको मैं अपनी साड़ी के साथ भी स्टाइल कर सकती हूँ एंड स्कर्ट के साथ में भी स्टाइल कर सकती हूँ। सो बहुत तरीके से मैं इसको स्टाइल कर सकती हूँ बिकॉज इसका जो लुक है फ्रंट से एंड बैक से बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड अंडर 500 था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड मैं आपको बता दूँ कि ये जो ब्लाउज है आपको विदाउट पैडेड रिसीव होता है, इसके अंदर कोई पैड लगे हुए नहीं मिलते हैं। सो क्वालिटी मटेरियल की अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, डिज़ाइन बहुत ज्यादा प्रिटी है। ये वाला ब्लाउज मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। आप इस तरह के ब्लाउज को स्कर्ट के साथ में, येलो कलर की साड़ी के साथ में, ब्लैक कलर की साड़ी के साथ में, जिसके भी साथ में आप चाहो उसके साथ में स्टाइल कर सकते हो। सो बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल डिजाइनर ब्लाउज है ये। ब्लाउज दैट आई हैव दैट इज़ ब्यूटिफुल सा येलो कलर का एंड रेड कलर का या मरून कलर का जो वर्क है इसके नेक पे वो ब्लाउज है। गाइज, ये वाला ब्लाउज जो है ना वो कॉटन फैब्रिक का ब्लाउज है, बट थिंग इज दैट कि इसकी जो क्वालिटी और इसका जो डिज़ाइन है, सबसे पहली बात इसका जो डिज़ाइन है स्लीव्स की यहाँ पे और जो नेक राउंड नेक के साथ में जो इसका राउंड नेक के साथ में जो उसका डिज़ाइन है ना नेक का, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसमें बहुत बहुत सारे कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे एंड मैं ये वाला ब्लाउज आपको हाईली रिकमेंड इसलिए करती हूँ बिकॉज अगर कोई वुमेन ऑफिस जाती है तो उस वाली वुमेन के लिए ये ब्लाउज एकदम परफेक्ट है। इवन गर्ल्स भी इसको यूज़ कर सकती है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक है इसका, ट्राई ऑन में आपको दिख जाएगा। सो स्लीव्स और नेक पे आपको इस टाइप से थ्रेड वर्क मिलता है, प्योर कॉटन जो होता है ना उसका फैब्रिक है, खादी कॉटन उसका फैब्रिक है, इसलिए थोड़ा मटेरियल ट्रांसपेरेंट है। ये भी विदाउट पैडेड आपको मिलता है, आपको इसके अंदर लाइक न्यूड कलर की कोई ब्रा वियर कर सकते हो पैडेड। सो बहुत ही अच्छा ऑफिस वियर लुक के लिए परफेक्ट है। आप इस टाइप के ब्लाउज जो है साड़ी के ऊपर स्टाइल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है स्पेशली फॉर द ऑफिस लुक। मेरे को ये हाईली रिकमेंड इसलिए करती हूँ, मुझे ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लगा इसका डिज़ाइन और इसका जो क्वालिटी है अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत ही ज़्यादा। सो मैंने इसके अंदर दो कलर पिक किए हैं बिकॉज मुझे इसके सारे ही कलर ऑप्शन इतने अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा किसी ने किसी के साथ में स्टाइल कर ही लूँगी। सो एक तो मेरा येलो था और दूसरा जो था ये मरून कलर का है। सो ये मरून कलर का पिक किया है, इसके अंदर आपको ये ऑफ वाइट कलर का थ्रेड वर्क मिलता है नेक के यहाँ पे एंड अगेन स्लीव्स के यहाँ पे। सो आपको ट्राई ऑन में दिख जाएगा कि इसका नेक कितना ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। कलर भी बहुत अच्छा है, मरून एंड येलो दोनों ही कलर बहुत अच्छे। मरून कलर का ब्लैक कलर की साड़ी के साथ में या मरून कोई अच्छी डिज़ाइनर साड़ी उसके साथ में स्टाइल कर सकते हो,
स्पेशली ऑफिस वेयर लुक के लिए बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है, और स्पेशली फॉर द ऑफिस लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। 500 में क्या आता है यार, आपको पूरा डिज़ाइनर अच्छा खासा ब्लाउज मिल रहा है। सो डेफिनेटली आप इस ब्लाउज को ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो ब्लाउज है वो है प्रिंटेड शिफोन काइंड ऑफ ब्लाउज, जिसके अंदर आपको लाइनिंग अटैच मिलता है, आपको कप्स अटैच मिलते हैं। बहुत ही अच्छा फ्रिल स्लीवलेस ब्लाउज है, ये फ्रिल का ब्लाउज मिलता है आपको, और इसका जो स्लीव्स है वो स्लीवलेस है, फ्रिल अटैच मिलती है। फ्रंट एंड बैक में आपको वी नेक मिलता है, बैक साइड में आपको अच्छा खासा डीप वी नेक मिल जाता है, फ्रंट में आपको स्मॉल वी नेक मिलता है, कप अटैच है, बैक साइड में आपको टसल्स भी देखने को मिल जाती है। सो ट्राई ऑन में आपको एवरीथिंग दिख जाएगा। इसमें आपको 2 से 3 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू प्राइस ये भी बहुत अच्छा ब्लाउज है। आप किसी प्लेन साड़ी के साथ में प्रिंटेड ब्लाउज स्टाइल करना चाहो तो भी स्टाइल कर सकते हो, स्कर्ट के साथ में भी स्टाइल कर सकते हो, बिकॉज इसको वियर करने के बाद बिल्कुल क्रॉप टॉप वाली फील आती है। सो डेफिनेटली आप साड़ी स्कर्ट के साथ में ट्राई कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत अच्छा ब्लाउज है, हाईली रिकमेंडेशन है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Now coming to the another blouse that I have, this is beautiful red color blouse. Oh my god, this is front side. So this is beautiful red color blouse with the star work. So बहुत ही अच्छा ब्लाउज है ये, और ये आता है padded के साथ में। So इसमें आपको cups attach मिलते हैं, front and back में आपको V-neck मिलता है with beautiful सी tussle detailing मिलती है। So ये sleeveless है, but you can use this kind of blouse in the winter, because इसका जो fabric है वो थोड़ा जो sweaters आते हैं ना ऊनी kind of, उस type का इसका fabric है। I think आप समझ पा रहे होंगे, जो थोड़ा फेरी kind of जो fabric आता है उस type का fabric है, मुझे थोड़ा सा warm लगा ये। So definitely आप इसको winter में wear कर सकते हो। Quality की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा है, fitting बहुत अच्छी आई है, and looking भी बहुत अच्छी है। Definitely आप इस type की कोई आपकी designer साड़ी हो तो उसके साथ में ये वाला blouse try कर सकते हो। According to price बहुत बहुत ज़्यादा affordable है, designer party wear kind of ब्लाउज है अंडर 500, एंड आपको विद कप अटैच मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप ये भी ट्राई कर सकते हो। द नेक्स्ट ब्लाउज जो तो मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करूँगी, आपने मेरे रील्स एंड यूट्यूब अगर व्लॉग्स देखे होंगे तो आपने ये ब्लाउज वियर करा हुआ देखा होगा। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छा ब्लाउज है। सो गाइस इस ब्लाउज को लेके मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका प्राइस समटाइम्स 699 रुपीज़ रहता है, समटाइम्स 499 रुपीज़ रहता है। सो मैंने इसको 499 रुपीज़ में परचेस किया है। सो ये मिलता है ब्यूटीफुल से कुंदन एंड डिज़ाइनर गोटा काइंड ऑफ वर्क के साथ में। इसका नेक फ्रंट एंड बैक दोनों से बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये आपको मिलता है डार्क ब्लू कलर में, ये ब्लाउज है। कभी कभी आपको कॉम्बो पैक भी देखने को मिलेंगे, ब्लू एंड ब्लैक, स्किन कलर एंड ब्लैक ब्लू, बहुत सारे कॉम्बो सेम ब्लाउज में आपको देखने को मिलेंगे 800 के अप्रॉक्स, और समटाइम्स आपको सिंगल ब्लाउज भी आपको 699 रुपीज़ में और 499 रुपीज़ में मिलेगा, बट ब्रांड्स का डिफरेंट होता है। मैंने जो ब्रांड पिक किया है, साइज़ मेरा क्या है, वो सब आपको स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी, बट ये बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर ब्लाउज है अंडर 500 यार। मतलब मैंने खुद ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 499 रुपीज़ में इतना सुंदर अच्छा खासा ब्लाउज आ जाएगा। इसने मतलब मैंने इसको संगीत में वियर करा था, पूरी स्कर्ट का लुक इसने चेंज कर दिया था, बहुत ज़्यादा सुंदर ब्लाउज है ये।
बॉटम में भी बहुत अच्छा वर्क मिलता है एंड फ्रंट में भी बहुत अच्छा वर्क मिलता है. सो इतना अच्छा डिज़ाइनर ब्लाउज 500 के अंदर मिल गया, मैं तो बहुत खुश हो गई. सो ये भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ. अगर आपके पास में कोई पिंक कलर की स्कर्ट है या नेवी ब्लू कलर की अच्छी खासी घाघरा है, स्कर्ट है, साड़ी है, तो आप डेफिनेटली उसके साथ भी ट्राई कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हैवी काइंड ऑफ ब्लाउज है. आप इसको एज ए चोली, एज ए ब्लाउज आप इसको यूज़ कर सकते हो. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ब्लाउज, जो कि पूरा बैकलेस है. सो ये आपको बैक में दो ही डोरी मिलती है, ऊपर और नीचे की साइड, और ये पूरा काच वर्क के साथ में मिलता है. अकॉर्डिंग टू प्राइस इसका जो वर्क है बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है. आप इसको स्कर्ट के साथ में, लहंगे के साथ में, गरबा में आप इसको यूज़ कर सकते हो. बहुत अच्छा फैब्रिक है, क्वालिटी, फिनिशिंग, एवरीथिंग बहुत अच्छी है. स्लीव्स भी बहुत अच्छी है, स्ट्रैप्स वियर करने के बाद में काफ़ी सुंदर लगती है. बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हैवी बस्ट वाले हो तो डेफिनेटली आप इस ब्लाउज को ट्राई मत करना, बिकॉज इसका जो चोली का जो साइज़ है ना वो मुझे थोड़ा छोटा लगा. यूजुअली क्या होता है ब्लाउज में, यहाँ पे अलग से स्ट्रैप होता है नीचे के साइड में, बस्ट एरिया के नीचे, जो हमारे बस्ट को अच्छे से सपोर्ट करता है. बट आई थिंक ये चोली काइंड ऑफ, आई डोंट नो, उस टाइप का ब्लाउज बनाया हुआ है. सो इसके नीचे कोई इतना बस्ट का सपोर्ट नहीं है. सो हैवी बस्ट वाले इसको अच्छे से कैरी नहीं कर सकते. अदरवाइज आपके बस्ट स्मॉल है तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो. इसकी लुकिंग, इसका जो फिनिशिंग है बहुत ज़्यादा सुंदर है. अकॉर्डिंग टू प्राइस मैं हाईली हाईली रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि इसकी फिनिशिंग एंड इसकी क्वालिटी, एवरीथिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है. बस आप थोड़ा अपना साइज़ वगैरह को देख के ही आप पिक करना कि आपको पिक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. अदरवाइज इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएंगे. That's all about my Flipkart ब्लाउज हॉल. ये बहुत बहुत ज़्यादा बजट रेंज का ब्लाउज हॉल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, बिकॉज सारे ही ब्लाउज अंडर 500 है. क्वालिटी वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब आप स्टिच भी करवाने जाओगे टेलर के पास तो इतना सस्ता ब्लाउज तो आपको नहीं मिलेगा. सो डेफिनेटली आप ये ब्लाउज, सारे ही ब्लाउज ट्राई कर सकते हो. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेरे वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हो. और पीछे प्लीज़ अगर बैकग्राउंड का कुछ ठक ठक आवाज़ आया हो तो प्लीज़ उसको अवॉइड कर देना. पास में ही बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो आई कांट डू एनीथिंग, मना नहीं कर सकती हूँ. सो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वीडियो का जो टाइमिंग होता है वो मुझे शूट करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि मैं रात में उठ के शूट कर लूँ. सो होपफुली वीडियो हेल्पफुल रहेगा. वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना फैशन विद चेतना एंड फैशन फिटनेस लाइफ 1 फॉर द फिटनेस वीडियो. सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू गाइज, बाय बाय.